हेलो ऑल, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। एज यू ऑल नो, हमारा चैनल आपको हमेशा प्रिपेयर कराता है यूजीसी एनटीए नेट एज वेल एज सेट एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं लाई हूँ पेपर वन के सिलेबस का सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। और हम इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इस यूनिट में से, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2010 टू 2019 दिसंबर। इस वीडियो में मोर देन 100 MCQs हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम आपको इस यूनिट के सारे क्वेश्चन से फेमिलराइज करा दें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। आपका एग्जामिनेशन, नेट का एग्जामिनेशन 2 मई से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन 17 मई। ये दिसंबर का पेपर है जो मई में कंडक्ट होने वाला है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए टॉप राइट कॉर्नर में मैंने ईयर लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन आया है तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च का क्या मतलब है। अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एन अप्लाइड रिसर्च, अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, अ रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। द राइट आंसर हियर इज अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च काम में आता है। तो ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं एक्शन रिसर्च का, जहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, साइक्लिक प्रोसेस से इसको सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है कि ओके जो आपने प्लान बनाया वो कितना कारगर है, एंड देन यू रिफ्लेक्ट एंड शेयर, एंड इफ यू सी कि उसमें कुछ चेंजेस है तो यू डू इट अगेन। ये साइक्लिक प्रोसेस है रिसर्च इज। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आया था जून 2010 में, रिसर्च क्या है। तो इट इज अ वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। तो रिसर्च में एक कॉमन टेस्ट क्या, किस चीज को आप प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो आंसर इज All of the above, reliability, usability, as well as objectivity. Okay. Which of the following is the first step in starting the research process? तो जब हम research process को शुरू करते हैं तो सबसे पहला हमारा step कौन सा होना चाहिए? So it should be searching sources of information to locate problem. Okay. If a researcher conducts a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, तो ये किस चीज का example है, किस type की research में आता है। इसका answer है option C, applied research. Applied research is done to solve specific practical question, जो society में problems face होती है उनको solve करने के लिए किया जाता है। तो ये पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए अप्लाइड रिसर्च को इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स में कौन सा वेरिएबल को मेजर नहीं कर सकते। आंसर इज ऑप्शन डी। ऑब्वियसली प्रोफेशनल एटीट्यूड को इन नंबर में नहीं मेजर कर सकते कि इसका 10 है उसका 20 है। बाकी इकोनॉमिक स्टेटस हम किसी के इनकम नंबर में मेजर कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस इट कैन बी येस और नो, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर है डी। अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर। दिस रिसर्च कुड बी क्लासिफाइड एज, तो ये एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, जहां पे कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, याद रखिएगा। ओके, यहां से हमारा दिसंबर का स्टार्ट हो गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, द राइट आंसर इज क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन ए। द सोशियोग्राम टेक्निक्स इज यूज टू स्टडी, तो सोशियोग्राम टेक्निक होती है उसको क्या समझने के लिए, क्या स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो हम ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट से रिलेटेड कितने लोग हैं यहाँ पे, तो ये सारे हमने, ये सोशियोग्राम है, ये एक डायग्राम है सोशल रिलेशनशिप का एक इंसान के साथ।
Which one of the following methods serve to measure correlation between variables? तो कौन सा मेथड दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? द राइट आंसर इज बी, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रिसर्च पेपर इज ओके, यहां से स्टार्ट हो गया जून का, जून के क्वेश्चंस जून 2011। रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। रिसर्च पेपर में, रिसर्च पेपर एक रिपोर्ट है जिसमें किस टाइप का डेटा यूज किया जाता है? बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द राइट आंसर इज सी। न्यूटन गेव थ्री बेसिक लॉज ऑफ मोशन। दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज, तो ये आता है आपका फंडामेंटल रिसर्च में। अब फंडामेंटल रिसर्च का मेन मोटिव होता है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में आपकी एड करना, जो भी नॉलेज है उसमें और नॉलेज ऐड करना, तो ये होता है फंडामेंटल रिसर्च। इसको बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल्ड एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस ऑफ अ न्यू कोर्स। दिस प्रोसेस मे बी टर्म्ड एज, इस प्रोसेस को कहा जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद क्या आना चाहिए? तो आना चाहिए कलेक्शन ऑफ डेटा। द राइट आंसर इज डी ओवर हियर। नेक्स्ट इज द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर, तो एक रिसर्चर में क्या क्या गुण होने चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होने चाहिए, रिलायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सिस्टमाइजेशन और थियोराइजिंग ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज कंडक्टेड टू, ऑप्शन आर जनरेट न्यू नॉलेज, नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। द राइट आंसर इज 1, 3 and 4, ऑप्शन डी, क्योंकि रिसर्च से हम थ्योरी पता लगाते हैं, पर यहाँ है नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, इसीलिए आपका आंसर होगा 1, 3 and 4। हाइपोथेसिस इज अ, इट इज अ सपोजिशन। ओके, क्योंकि आप सपोज करते हैं कि क्या होगा, यू आर नॉट श्योर अनलेस एंड अनटिल, आप पूरी रिसर्च को कर नहीं सकते, तो ये होता है हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड ऑन, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, ऑन अ इन अ स्पेसिफिक कंडीशन रिसर्च परफॉर्म किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल, तो इनमें से रिसर्च टूल कौन सा है? क्वेश्चनेयर है, जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो एक किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से पूछे जाते हैं, जो रिसर्च का पार्ट होता है। वर्कशॉप आर मेंट फॉर, वर्कशॉप्स किसके लिए यूज की जाती हैं? हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए। कोई भी जैसे कारपेंट्री का अगर वर्कशॉप है, तो वहां आप आपको करके भी दिखाते हैं कि कैसे फर्नीचर बनता है, और उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली। द राइट आंसर इज सी। तो यहां से जून 2012 के क्वेश्चन शुरू होते हैं। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज, तो वो होता है एक्शन रिसर्च, जहां पे जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाता है। व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुट नोट्स रेफर टू द सेम वर्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज यूज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 9-year-olds are taller than 7-year-olds. This is an example of a reference drawn from. तो ये cross-sectional study का example है। Cross-sectional में ये होता है कि आप एक particular moment पे data collect करते हैं, not on a longer period of time. Conferences are meant for. तो conference किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? Right answer is option D. मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए, ग्रुप डिस्कशंस के लिए।
showcasing new research. So all these are the right answer. Ex post facto research means, ex post facto research का मतलब होता है research that is carried out after the incident. Okay? रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, रिसर्च एथिक्स में नहीं इंक्लूड होना चाहिए सब्जेक्टिविटी, यानी इंसान के पर्सनल थॉट्स और व्यूज रिसर्च में नहीं आने चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ अ क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल. तो किसी रिसर्च कितनी प्रभावी है वो पता चलता है इम्पैक्ट फैक्टर्स से. इसका मतलब होता है आपकी रिसर्च दूसरों द्वारा कितनी बार उनके रिसर्च पेपर में यूज की जाती है. Good research ethics means, it means assigning a particular research problem to one PhD student only. तो एक ही student को देंगे, तो ये होगा good research ethic. Which one of the following is methods is based on probability? Sampling methods is based on probability. तो sampling methods दो type के होते हैं आपके, probability sampling और non-probability sampling. यहाँ प्रोबेबिलिटी का पूछा है तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हुआ. स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि जिसे आप एक पर्टिकुलर नंबर पे ही सैंपल या किसी पर्सन को कलेक्ट कर रहे हैं. जैसे आपको एक सैंपल है 1000 लोगों का, पॉपुलेशन है 1000, तो आप एवरी 10th पर्सन को आप ले रहे हैं सैंपल में. तो आपने फर्स्ट पर्सन को लिया, 10th को लिया, फिर 20, 30, 40, ऐसे जब हम लेंगे तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस. तो रिसर्च के स्टेप्स हैं, आपको उनको बस ऑर्डर में अरेंज करना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. The first is identification, second is listing of research objectives, फिर आपका आता है methodology, कौन सा method adopt करेंगे, then you collect data, फिर data पे analysis होगा और आपका result find out होगा. Identify the correct, incorrect statement. Incorrect statement है, scientific hypothesis is a scientific theory. तो ये एक incorrect statement है यहाँ पे. अब आता है जून 2013 के क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस इज रिटन एज पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA फॉर्मेट. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. अ वर्कशॉप इज, एक वर्कशॉप क्या है? इट इज अ ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप एम्फसाइजिंग डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल. यानी या आपको एक स्किल सिखाई जाती है या टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस के लिए किया जाता है. हमने एक और क्वेश्चन देखा, तो आपने देखा वर्कशॉप में भी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें एग्जाम के लिए. अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च. ये होता है वर्किंग हाइपोथेसिस. अ रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर क्या है? इट इज a peer reviewed original research or evaluation of research conducted by others. Right, the right answer is C. Which one of the following belongs to the category of good research ethics? So inme se good research ethics kaun se hain? Conducting a review of the literature that acknowledges the contribution of other people in the relevant field. Yani aap jis pe aap research kar rahe hain usse related aap dusron ki bhi research padhein taki प्लेजरिज्म ना हो. ओके, सेम टाइप की थ्योरी पे दोबारा आप काम ना करें. विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में आता है इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नॉट वर्ड का ध्यान रखिए. नॉट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉन प्रोबेबिलिटी. तो कोटा सैम्पलिंग होती है, ये है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. बाकी ये तीनों सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स है. Which one of the following is not a type of experimental method? तो इसमें से कौन सा experimental method का type नहीं है? The right is, answer is residual group experiment. Option B. Which one of the following is not a non-parametric test? The right answer is t-test. Option A.
अब ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन कह रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. और रीजन कहता है, बिकॉज द फंडिंग एजेंसीज डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. फाइंड द करेक्ट आंसर. देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग. तो यहाँ कह रहे हैं कि फंडिंग एजेंसी क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये गलत है. सिर्फ ऑप्शन ए सही है. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स. तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो रिसर्च के सारे स्टेप्स कौन कौन से हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा एग्जाम के लिए. द राइट आंसर इज सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स. नेक्स्ट इज डीकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इज लिटरेचर, ऑप्शन डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कम्युनलिटी इज एसोसिएटेड. द राइट आंसर इज फैक्टर एनालिसिस, ऑप्शन बी. द वेरिएबल विच इम्पैक्ट्स द रिलेशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल, ऑप्शन डी. Which one of the following is a non-probability sampling method? कई बार आ चुका है, sampling method जरूर कर लीजिएगा exam के लिए. Right answer is quota sampling. यहां से शुरू होता है December 2013 के questions. Which is the main objective of research? तो research का main objective क्या है? The right answer is to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. Sampling एरर डिक्रीजेस विद. तो सैम्पलिंग एरर कब, सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पॉपुलेशन है आपका, ओके, उसमें आपने एक सैंपल सिलेक्ट किया है, तो इसका रिजल्ट और जो पूरी पॉपुलेशन है इनमें थोड़ा डिफरेंस होगा. समझिए, इसका रिजल्ट है ए, यहाँ है जेड, तो देखिए ए और जेड दोनों में डिफरेंस होगा, तो ये डिफरेंस होता है सैम्पलिंग एरर. अगर हम इस सैंपल साइज को बढ़ा दें तो हमारा ये एरर डिक्रीज होगा, इसीलिए आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन सैंपल साइज. द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज यूज्ड इन. तो फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च का प्रिंसिपल कहाँ यूज किया जाता है? तो इसको यूज किया जाता है अप्लाइड रिसर्च के अंदर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑल्सो वी हैव टेस्ट सीरीज फॉर इकोनॉमिक्स पेपर टू, जहां पे आपके लिए है 10 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन पीडीएफ एट 99 ओनली. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स ऑन द स्क्रीन. द सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, कोवेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ स्पर्यस रिलेशन, जनरलाइजेशन या थियोराइजेशन और थियोराइजेशन. In sampling, the lottery method is used for, right answer is D, randomization. अब start होता है June 2014 के questions. In a thesis, figures and tables are included in the text itself. The right answer is option D. A thesis statement is a, it is an assertion. Answer is C. The research approach of Max Weber to understand how people create meaning in natural settings is identified as interpretative paradigm, option D. Which one of the following is a non-probability sampling? The right answer is purposive sampling. Baki sare probability sampling ke types hain. Identify the category of evaluation that assesses the learning progress to provide continuous feedback to the students during instruction. It is option C, formative. The research stream of immediate application is, हमने यही देख ये क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं, तो it is action research. Immediate problems को सॉल्व करने के लिए किया जाता है. Who among the following propounded the concept of paradigm? It was propounded by Thomas Kuhn, option C. When planning to do a social research, it is better to approach the topic with an open mind. The right answer is option A.
When academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on research topics or a set of topics of educational nature, it is called a seminar. The core elements of dissertation are, यानी dissertation में क्या-क्या include किया जाता है? Introduction, literature, review, research methodology, results, discussion and conclusions. What is a research design? It is a framework of every stage of collection and analysis of data. Sampling cases means identifying the people who are suitable for research. The right answer is option B. Now we are going to June 2015 questions. Which one of the following statements regarding the meaning of research are correct? So, this question ka answer hai option A. Research refers to a series of systematic activity or activities undertaken to find out solution of a problem. It is a systematic, logical and an unbiased process wherein verification of hypothesis, data collection, interpretation and formulation of principles are done. It is an intellectual inquiry or quest towards truth. It leads to enhancement of knowledge. Sare hi statements sahi hai research ke baare mein. A good thesis writing should involve, right answer is option B, A, B, C and D. Jian Pen gave a theory of cognitive development of humans on the basis of fundamental research. The right answer is option A. Male and female students perform equally well in a numerical aptitude test. This statement indicates a null hypothesis. Yani koi difference hi nahi hai unke result mein, dono hi same perform kar rahe the. Isko kehte hain null hypothesis. The conclusion findings of which type of research cannot be generalized to other situation. Yani kisi ek kaun si research ke results ya findings hum dusri research pe apply nahi kar sakte. Wo hai historical research, kyunki wo event past mein tha, ab wahi sari cheeze future mein hame kar pana mushkil hoga. Which of the following steps are required to design a questionnaire? The right answer is option D. Writing primary and secondary aims of the study. Review of current literature. Prepare a draft of questionnaire. Revision of the draft. Which of the following statement is not true in context of participatory research? The right answer is option D. Its sole purpose is production of knowledge. So, ye participatory research ka statement nahi hai. Which of the following statement is true in the context of the testing of a hypothesis? The right answer is option B. It is only the null hypothesis that can be tested. Which of the following are basic rules of APA write-offs referencing format? The right answer is option B. Invert author's name, italicize titles of longer works such as books and journals, alphabetically index reference list. Which of the following are the characteristics of seminar? So, ye December 2015 ka question hai. The right answer is B, C and D. A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. Urban area matlab kisi shahar mein. What tool should be he prefer for the study? The right answer is questionnaire. Also, we have test series for English literature. Jahan aapko 10 mock tests milenge with solution PDF. The fees is 999 only. You can download Global Online University app and select English category. या आप इस नंबर पे भी क्वेरी कर सकते हैं. Ethical norms in research do not involve guidelines to thesis format. A researcher intends to explore the effects of possible factors for the organization of effective midday meals interventions. Which research method will be most appropriate? Ex post facto method. The right answer is
ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। द फॉर्मैट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज अ रिसर्च डिसर्टेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मे बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टेस्ट ट्रीटमेंट्स आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच हैज नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्च एथिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज 2, 4 एंड 6। 2 In a research on the effect of child rearing practices on stress proneness of children in completing school projects, the hypothesis formulated is that child rearing practices do influence stress proneness. At the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of research available, the null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decision must be warranted in respect of the research hypothesis? The right answer is option B, the research hypothesis will be accepted. The principal of a school conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. His endeavor may be related to which type of research? The right answer is action research. Immediate problems ko solve karne ke liye ki jati hai. In doing action research, what is the usual sequence of steps? Yahan pe hai aapka option B, plan, then act, observe and reflect. Which consequence of research steps is logical in the list given below? The right answer is ऑप्शन सी। ओके, रिसर्च के स्टेप्स पूछे गए हैं। पहले है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड लास्ट इज कंक्लूजन। बिलो आर टू सेट्स रिसर्च मेथड्स एंड डेटा कलेक्शन टूल्स, इनको आपको मैच करना है। तो राइट आंसर हुआ आपको ऑप्शन बी, यानी एक्सपेरिमेंटल method is standard test, ex post facto is typical characteristic test, descriptive is questionnaire and historical is used primary and secondary sources. The issue of research ethics may be considered pertinent at which stage of research? The right answer is the stage of data collection and interpretation. In which of the following report format is formally prescribed? Right answer is doctoral level thesis, option A. Which of the following research types focuses on ameliorating the prevailing situation? The right answer is action research. A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? The right answer is ex post facto method. In which of the following arrangement a wider spectrum of ideas and issue may be made? The right answer is conference. In finalizing a thesis writing format, which of the following would form part of supplementary pages? The right answer is bibliography and appendices. Which of the following is susceptible to the issue of research ethics? Yani, kahan pe aapko research ethics ki hone ki chances sabse zyada hai? It is reporting of research findings, option D.
यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, रिसर्च टाइप से और उनके कैरेक्टरिस्टिक से आपको मैच करने है। जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिया हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च है आपके, डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। देन फॉर अप्लाइड रिसर्च इट इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। एक्शन रिसर्च का मतलब है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। और इवेल्युएटिव रिसर्च का मतलब है फाइंडिंग आउट एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपका है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड्स। द राइट आंसर इज परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, हाइपोथाइजिंग, डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन एक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। द राइट आंसर इज पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। सो इन द टू सेट्स, सेट वन स्पेसिफाई द मेथड्स ऑफ रिसर्च वाइल सेट टू डिस्क्राइब द फीचर्स। यहाँ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, एक्सपेरिमेंटल मेथड में आता है एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट, तो ये हुआ ए। देन फॉर बी यू हैव फाइव कॉजल फैक्टर्स फॉर ऑब्जर्व इफेक्ट। हिस्टोरिकल मेथड का मतलब होता है एस्टैब्लिशिंग द पैटर्न ऑफ इवेंट्स विच हैव हैपेंड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। एथनोग्राफिक मेथड इज स्टडिंग शेयर्ड बिहेवियर पैटर्न्स, ऑप्शन डी। अगेन ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन है और उसके डिस्टिंग्विश एंड डिफरेंट फीचर्स से आपको मैच करना है। थीसिस है, रिसर्च पेपर है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओके ऑप्शन डी 5 4 2 3। थीसिस एंड डिसर्टेशन सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च डन। देन फॉर सी यू हैव टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन, सेमिनार इज रिफ्लेक्टिव डेलिब्रेटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, सिलेक्ट फ्रॉम द कोट टू गिव योर आंसर्स। तो रिसर्च की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सर्च करने हैं। द राइट आंसर इज ए, सी एंड एफ। रिसर्च मीन चेंजिंग द स्टेटस क्यू। रिसर्च इज सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस एंड रिसर्च इज क्रिटिकल एंड पैशनेट रिसर्च फॉर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैराडिम ऑफ रिसर्च विच फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ऑफ द रिसर्चर प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड। सो इट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। आइडेंटिफाई द स्टेज और स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन विच एथिकल कंसिडरेशन बिकम रेलिवेंट, चूज फ्रॉम द कोड। द राइट आंसर इज सी ई एंड एफ, कलेक्टिंग डेटा थ्रू यूज ऑफ रिसर्च टूल्स, डेटा एनालिसिस एंड प्रोसीजर एम्प्लॉयड, रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स। अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी।
From the following list, identify quantitative research characteristic and select your answers from the code. The right answer is option A, 2, 3 and 5. तो क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको, स्टेटिंग द पर्पस, कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग. न्यूमेरिक डेटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्वालिटेटिव की बात की है. ओके पोजिशन पेपर्स आर highlights of issue and depiction of status. Right answer is D. Case studies are in-depth examination of a subject and its related conditions. The right answer is option B. Tertiary source of data. So, data जो है आपके दो type की normally हमने सुना है, primary and secondary, और एक third type होता है tertiary. तो यहाँ पूछ रहे हैं टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा का क्या एग्जाम्पल है. तो ये वो है जो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी से डिराइव होता है, उसको हम कहते हैं टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा. इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड. द राइट आंसर इज नरेटिव रिसर्च, ऑप्शन डी. The issue of research ethics become relevant in which of the following stages of research? The right answer is C and D, which is option B. C and D में आते हैं आपका hypothesis testing and data analysis and interpretation. In which of the following sampling methods employed in the research, the units compared comprising the sample are given equal and independent chance. The right answer is cluster sampling. Identify the tests from the list given below which are maximum performance tests in the context of research. The performance test ke liye kya kya use kiya jata hai? Answer is C, E and F. यानी अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर. तो साइक्लिक इन नेचर हमने कई सारे क्वेश्चन देख चुके हैं इस पे. तो ये एक्शन रिसर्च होता है जो होता है साइक्लिक इन नेचर, ऑप्शन सी. देखा आपने, हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए फ्रॉम 2010 जून से लेकर 2019 दिसंबर तक. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है. अगर आपको कोई भी सजेशंस या डाउट्स हैं, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी कमिंग अप विथ अनदर वीडियो जहां पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे दूसरे यूनिट पे. तो अगर आपका कोई प्रेफरेंस है किसी पर्टिकुलर यूनिट का, लेट मी नो. स्टडी वेल, टेक केयर, बाय.